नमस्कार जी, मैं हूँ संजय गोयल और जो मेरा हेयर क्लिनिक है वो हेयर स्टूडियो क्लिनिक के नाम से है। हेयर स्टूडियो क्लिनिक सेक्टर 2 रोहिणी दिल्ली, और ये आपको पड़ेगा जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के पास में। किसी भी रिक्शे वाले से बोलेंगे, ई रिक्शे वाले से, और जो नियरेस्ट हमारा मेट्रो स्टेशन है वो एक तो पीरागढ़ी है, दूसरा है रोहिणी वेस्ट, या आप पीतमपुरा में भी उतर सकते हैं। वहां से ई रिक्शा करके बोलना जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल आना है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के पास ही हमारा हेयर स्टूडियो क्लिनिक है, जो कि आप लोगों के लिए हेयर पैच हम लोग अवेलेबल कराते हैं। और हमारे पास जो हेयर पैच हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। वैसे तो हमारे पास 6000 से स्टार्ट है, क्योंकि हम लोग 100% ओरिजिनल हेयर ही बेचते हैं, और क्वालिटी में हम लोग बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं हम आपको। आप लोगों ने को ऑफर आता होगा, जैसे कि 2000 में, 3000 में, 1500 में, 1000 रुपए में, इस तरीके से दे देंगे। उस तरीके से हमारे पास हेयर पैच नहीं है, बट जो हमारे पास हेयर पैच है उसकी क्वालिटी में इतना दम है ना भाई, आप 25000 का जो पैच होगा ना उसको हम 50% में करके देंगे 12000 रुपए में। आपको मैं क्वालिटी दिखा देता हूँ, आप क्वालिटी देखिए पहले। क्वालिटी बहुत आपको बढ़िया मिल जाती है यहाँ पर। ये देखिए स्किन बेस है, अंदर से ऐसा लगेगा कि जैसे स्किन से एक एक बाल निकल रहा हो, और इसकी स्मूथनेस देखिए भाई। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और इंपोर्टेड है, बांग्लादेश से हम लोग इसको खुद बनवाते हैं, हमारी वहां पे कंपनी है। ये हमारे मिराज के ही नाम से होता है, क्योंकि लोग मिराज के नाम से ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये मिराज से भी थोड़ा सा अपर है, डायमंड मिराज। ये देखिए ट्रिपल लेयर में ही होता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और स्मूथनेस देखिए। ये 3 टाइप से लगता है, एक तो होता है क्लिप, जिसको हम नॉर्मली डेली लगा सकते हैं और रात में उतार के रख सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं, टेम्परेरी उसको बोलते हैं। और दूसरा मेथड होता है हमारा टेप मेथड। उसमें क्या करते हैं कि इसमें खुद ही हम टेप लगाकर 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन यूज करने के बाद फिर निकाल देते हैं उसको, सेल्फ सर्विस में ही हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसमें आना नहीं पड़ता है। और तीसरा मेथड होता है फिक्सिंग मेथड, जिसमें क्या होता है कि एक बार हमने लगा दिया तो 1 महीने के लिए आपका फिक्स हो गया हेयर पैच, और 1 महीने बाद ही आपको आना है, आएंगे इसको निकाल के दोबारा आपको इस हेयर पैच को क्लीन करके, सैनिटाइज करके लगा देंगे, और विथ फिनिशिंग के साथ जो आपके हेयर हैं एक्साइटिंग हेयर है तो उनको हम कटिंग कर देते हैं। अगर वाइट है तो कलर वगैरह भी हो जाएगा कटिंग करने के बाद, कलर करने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद एक एक बाल की फिनिशिंग करते हैं। जो हमारे वर्कर हैं वो भी बहुत एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के मामले तो मैं आपको बताऊं, मेरा 9 साल से एक्सपीरियंस इसी लाइन में है, और मैं खुद भी हेयर पैच यूज करता हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जो बेस्ट हेयर पैच हम लोग लगाते हैं तो उसी में हमें अवार्ड मिलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सोनाली बेंद्रे जी ने भी हमें अवार्ड दिया था जी सर, ये जैकी श्रॉफ जी ने भी हमें अवार्ड दिया था, और मलाइका जी ने भी, और ये सारी ट्रॉफियां रखी हैं अवार्ड की। इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारी ब्रांड है, जो हमारी कंपनी है, सर्टिफाइड है और ट्रस्टेड है। आपको ट्रस्ट के मामले में 100% गारंटी मिलेगी, और जब तक आपका प्रॉपर लुक नहीं आएगा तब तक हम लोग 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। जो भी हमारे कस्टमर आते हैं उनको 100% सेटिस्फाई करके ही भेजते हैं, जैसा वो सोच के आते हैं उससे भी अच्छा हम लुक देते हैं उनको, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉल। और मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद भी हेयर नहीं है, तो इस चीज का एक्सपीरियंस मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। तो जब से मैंने हेयर पैच लगवाया मुझे भी ये ख्याल आया कि हम भी लोगों की सेवा करें, उनका लुक बहुत अच्छा बनाए, वो लोग भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, इसमें हमें भी खुशी मिलती है और उनको भी खुशी मिलती है, और थोड़ी सी समाज सेवा हो जाती है और थोड़ा सा हमारा बिजनेस भी हो जाता है। अब हमारे पास है ये 1BA का, 1BA हाँ, इसकी कंपनी का नाम है। इसमें क्या है कि अंदर देख रहे हैं जैसे आप, बहुत ही कंफर्टेबल होती है, एक अलग से स्मूथली हाँ इसमें कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो पट्टी है ना वो सिल्किन मेम्ब्रेन की होती है, और बाल भी इसके बहुत ही स्मूथ होते हैं, लुक जैसा आप चाहें वैसा आ जाएगा। वेट ये रहता तो है 50 ग्राम का, लगभग 50-60 ग्राम का रहता है, लेकिन इसमें 50% कटिंग वगैरह हो जाती है, तो मतलब यही समझ लीजिए 25 से 30 ग्राम का होता है। बहुत ही हल्का होता है, इतना हल्का होता है आपके सर पे बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये कुछ लगा हुआ है। कह रहा हूं कि अगर आप हवाई जहाज के ऊपर भी खड़े हो जाए ना तब भी ये पैच नहीं
हिलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो हम ग्लू वगैरह लगाते हैं ना बहुत ही प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। जो ग्लू है अल्ट्रा होल्ड की वो यूएसए से आती है और इतनी परफेक्ट होती है, महीने में एक बार हम जो निकालते हैं निकालते टाइम भी बहुत ही टाइट तरीके से ही निकलती है। फिर भी तो पहले ही बताया कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ना ही करता हूं। 9 साल से मेरा बस यही एक फंडा है कि भाई क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करनी है, क्वालिटी हमें बेस्ट देनी है, ठीक है, भले ही चाहे कंपटीशन चाहे जितना हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि लोग क्वालिटी ही मांगते हैं। चाहे इतना कंपटीशन हो जाए, हमारे पास लोग आते हैं कहते भाई मैं बस क्वालिटी बहुत अच्छी दो, इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि जब हम पैच लगाएं तो कोई भी जज नहीं कर पाए। 99% हमारे जो कस्टमर हैं उनका रिव्यू आया है कि सर आपने जो हमारे पीस लगाया, हेयर पैच लगाया, लोगों ने बिल्कुल भी जज नहीं कर पाया और बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है, कॉम्प्लीमेंट भी उनको बहुत मिला है। तो रिपीटेड कस्टमर जो है हमारे बहुत ही ज्यादा आते हैं। देखो अगर एक बार अगर मैंने किसी का हेयर पैच लगाया तो भाई नॉर्मल सी बात है, जहां पे बहुत ही अच्छी सर्विस मिलेगी अभी वहीं पे जाएगा। बस दूर दूर से भी आते हैं, यहाँ तक कि आगरा से, मथुरा से, और यहाँ पे सोनीपत पानीपत से भी आते हैं, और नोएडा से, दिल्ली NCR का तो आते ही हैं, बाकी बहुत दूर दूर से आते हैं। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री के भी हैं, जैसे दुबई में, USA, UK वहां से है। तो अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम होती है कि भाई हमें संजय जी हेयर पैच चाहिए, तो हम उनको कोरियर कर देते हैं, वर्ड में भी हम भेज सकते हैं, डोंट वरी। देखो अगर हमारे पास आते हैं तो हम तो प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग कर देंगे। अगर आप घर पे इसको यूज करना चाहते हैं जैसे, तो उसके दो मेथड होते हैं, एक तो क्लिप वाला होता है, तो हम इसमें 3 क्लिप लगा देंगे, आगे आपको टेप लगा के और खुद ही लगाना है, ठीक है, वो सिंपल प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस है टेप वाला, जैसे फिक्स होता है ना, फिक्स की जगह हम इस एरिया पे टेप लगा के सर पे लगा सकते हैं, और कटिंग करके तो हम देते ही हैं पीस, तो कटिंग की बार बार जरूरत नहीं है। बट जो आपके रियल हेयर हैं उनको आपको किसी भी सैलून में नियरेस्ट जो भी हो वहां पे आप राउंडिंग करवा लीजिए, तो साइड के आपका लुक ठीक हो जाएगा, ऊपर से ये वाला, क्योंकि इसमें बार बार हेयर पैच में कटिंग कराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार कटिंग हो गई तो बेस्ट हो जाता है। आप इसमें बाल छोटे कर सकते हैं, बड़े नहीं होते इसमें, ग्रो नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हेयर पैच है। सर सर्विस की बात की जाए तो सर्विस कितने टाइम के बाद करवानी चाहिए इसकी? इसमें देखो जो फिक्स वाला होता है हमारा, उसमें महीने में एक बार होती है, तो ये नहीं है कि महीने में एक ही बार आना है। अगर आप सर्दियों में यूज कर रहे हैं तो 30-35 दिन चला लीजिए, अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं तो स्वेटिंग बहुत होती तो 25 दिन भी आप यूज कर सकते हैं, 25 से 30 दिन। या किसी किसी की स्किन बहुत ही ऑयली होती है या उनके हेड में हीट बहुत ज्यादा होती है तो वो 20 दिन में भी करा सकते हैं, या किसी को डैंड्रफ भी ज्यादा होता है तो वो थोड़ा सा 20 से 25 दिन में करा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली 1 महीने ही चली जाती है। जो हेयर सर्विस है प्रॉपर तरीके से हम लोग 500 लेते हैं, अगर कलर होता है तो 100 रुपीज कलर का एक्स्ट्रा है, अदरवाइज 500 ही है हेयर सर्विस चार्ज, और उसमें भी प्रॉपर फिनिशिंग करके देंगे एक एक बाल। फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है छोटी सी भी कि सर ये बाल, एक दो बाल भी की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे डिस्कस करिए, उसका भी सॉल्यूशन तुरंत हैंड टू हैंड करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। जो हेयर होता है इसको सबसे पहले तो हम शैम्पू से हेयर वॉश करेंगे, फिर सैनिटाइज करते हैं इसको, ठीक है, फिर इसको कंडीशनर करते हैं। कंडीशनर नॉर्मल नहीं होता है, हमारा होता है कैरेटिन वाला कंडीशनर, जिससे कि बाल इतने स्मूथ हो जाते हैं कि पूरे महीने आपके स्मूथ रहते हैं। फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सिल्क वाला, यस दुबई सिल्क, ये बहुत ही लाइट वेट होता है, ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा हैवी जरूर, बट ये कटिंग होने के बाद इतना लाइट हो जाएगा। रियलिटी बताऊं जो भी हेयर पैच है सबकी जो लाइफ है लगभग 1 साल होती है, अगर आप बहुत अच्छे से केयर करें तो 1-2 महीने और ज्यादा चल जाएगा, और थोड़ा कम केयर करें, आप इसको रफ यूज कर रहे हैं तो 1-2 महीने कम चल सकता है, बट नॉर्मली हम लोग जो हमारे क्लाइंट होते हैं 1 साल में हेयर पैच चेंज कराते हैं, क्योंकि 1 साल सफिशियंट होता है इसके लिए, क्योंकि ये जो बाल है ना रात दिन आप यूज करना है, 24 घंटे यूज करना है, साल के 365 दिन रात दिन अगर यूज करेंगे कोई चीज तो थोड़ा तो डैमेज होने लगती है, इसका फेडनेस भी आने लगती है, तो 1 साल में लोग चेंज करा लेते हैं बेसिकली। इसका प्राइस तो
मार्केट में अगर आप देखेंगे सिल्क बेस, अंदर से देख रहे हैं स्किन बेस भी है ना, वैसे मार्केट में 15,000 रुपए है, लेकिन हमारे पास डिस्काउंट करके 8,000 है, क्योंकि क्वालिटी में हम लोग बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, रेट आपको और लोगों से भी 50% देंगे। मान लीजिए कि जो ये जो हेयर पैच है लोग 20,000 से 25,000 में लगाते हैं, नेक्स्ट पैच है जो फ्रंटलेस, ये है आगे से इस तरीके से पैच लगता है, जस्ट वन मिनट, ये जैसे स्किन से ही बाल निकल रहे हो इस तरीके से, और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो मैं भी पैच यूज करता हूँ, मैं तो वैसे नॉर्मली लगाता हूँ, नॉर्मल में मेरा बहुत अच्छा लुक आ जाता है। मैंने बताया ना आपको क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, क्वालिटी हमारी बेस्ट होती है, ठीक है, नॉर्मल पैच में भी बढ़िया लुक आ जाता है। और बहुत सारे सेलिब्रिटी के भी मैंने हेयर पैच लगाया है, और उनका नाम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है शायद केस हो जाए क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस बात को थोड़ा सा सीक्रेट रखना, तो आई एम सो सॉरी इसके लिए, बट बहुत सारे सेलिब्रिटियों को लगा रखा हूँ। तो हमारा स्टूडियो देख रहे हैं, यहाँ पे वेटिंग एरिया है, अगर जैसे कोई कस्टमर आता है तो पहले वेटिंग के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, और ये हमारे मैनेजर भी हैं साथ में, और यहाँ पे हमारा जो हेयर पैच है वो वॉशिंग होती है, और ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे कस्टमर डीलिंग होती है, और ये हमारी मैनेजर है। अब मैं आपको वर्किंग एरिया दिखाता हूँ, आपको हमारा है वर्किंग एरिया, यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनका उनका हाँ जी ऑफकोर्स ऑफकोर्स, ने यहाँ पे हेड वॉश करके तब जाके इनका, और यहाँ पे अगर आपको वॉशरूम वगैरह भी है, सारा कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। मेरा मेन रोड पे है, मेन रोड पे, अगर जैसे आप अविंदिका चौक वाले रोड पे आएंगे तो मेन रोड पे आपको दिख जाएगा हेयर स्टूडियो क्लिनिक से जी। अभी हम आपको बाहर से भी दिखा देंगे कि हमारा जो हेयर स्टूडियो क्लिनिक का लुक कैसा है, और आप आ सकते हैं यहाँ पे। 7 डे ओपन तो नहीं है, बट ट्यूजडे को ऑफ होता है, बाकी डेज ओपन है, मॉर्निंग में 11 बजे से लेके 7 बजे तक।